डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में आपको ओपन वेपिंग थ्योरम बताई थी। इसका स्टेटमेंट था कि बी और बी डे सबके बना के स्पेस हैं, टी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बी ऑन टू बी डेस, देन टी इज ओपन वेपिंग। टी ओपन वेपिंग दिखानी है तो इस अपन जी अपन ओपन सेट लेंगे बी के अंदर, और आपको दिखाना है टी जी है ओपन सेट है बी डेस में, तो अपन कहेंगे कि टी जो मैपिंग आपकी है वो कैसी है, ओपन मैपिंग है। आज अपन फर्स्ट अपन देखेंगे क्लोज्ड ग्राफ। क्लोज्ड ग्राफ की डेफिनेशन है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉर्म लीनियर स्पेसेज एंड टी एक्स इंटू वाई इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी इज सेट टू हैव ए क्लोज्ड ग्राफ इफ व्हेन एवर एक्शन सीक्वेंस है वो एक्स को कन्वर्ट कर रही है इन कैपिटल एक्स एंड टी एक्शन है वो वाई को कन्वर्ट कर रहा है इन कैपिटल वाई, वेयर टी एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी हैज ए क्लोज ग्राफ वेन एवर एक्शन एक्स को कन्वर्ट कर रही है, टी एक्स एन वाई को कन्वर्ट कर रहा है, वेयर टी एक्स इक्वल टू वाई, तो मीन्स टी आपका कैसा होगा, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन टी हैज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर हैं एक्स और टी एक्स टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं, देन टी हैज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स एलिमेंट्स है कैपिटल एक्स का इज ए क्लोज्ड सबसेट। इसका सबसेट होगा क्लोज सबसेट, एक्स इसका एलिमेंट्स है कैपिटल एक्स का, टी एक्स किसका एलिमेंट है कैपिटल वाई का, तो ये क्लोज सबसेट किसका होगा, सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई का, एंड द सेट ये जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है इसको जनरल टी जी से व्यक्त करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर एक्स टी एक्स टाइप के एलिमेंट्स है इसके अंदर, जहाँ एक्स कैपिटल एक्स का एलिमेंट्स है, इज कॉल्ड क्लोज्ड ग्राफ ऑफ टी। तो क्लोज्ड ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, एक्स और वाई आपके पास दो नॉर्म लीनियर स्पेस हैं, और टी जो है एक्स से वाई के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैव ए क्लोज्ड ग्राफ कब, जब आपके पास सीक्वेंस एक्सन है एक्स को कन्वर्ज कर रही है एक्स के अंदर, और टी एक्सन है वो वाई को कन्वर्ज कर रहा है वाई के अंदर, जहाँ टी एक्स इक्वल टू वाई है, then t has a set of ordered pair
देन ये जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है एक्स टी एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, ये आपका क्लोज्ड सबसेट होगा एक्स क्रॉस वाई का, और ये आपका क्लोज्ड ग्राफ कहलाता है टी का। क्लोज्ड ग्राफ क्या कहलाता है? टी का क्लोज्ड ग्राफ कहलाता है। ये जो सबसेट है एक्स टी एक्स वो क्लोज सबसेट है एक्स क्रॉस वाई का। तो क्लोज सबसेट है कैसे बता देते हैं कि ये सबसेट तो दिखाई दे रहा है आपको, देखिए आपके पास यहाँ देख रहे हैं कि ये तो आपके पास है एक्स टी एक्स ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स है किसके? एक्स क्रॉस वाई के। तो ये जो सेट आपका टी जी है, टी जी नाम दिया इसको, तो टी जी है वो सबसेट है एक्स क्रॉस वाई का, ये आपका क्लोज सबसेट है, क्लोज्ड सबसेट है। इसको अपन इजीली प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि अपन देख रहे हैं कि एक्सएन सीक्वेंस है एक्स को कन्वर्ज कर रही है, टी एक्सएन है वो टी एक्स को कन्वर्ज कर रहा है अर्थात वाई को कन्वर्ज कर रहा है, वाई बराबर टी एक्स है। तो टी आपका कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अपन ये जो सेट टी जी है, इस टी जी सेट की आप देख रहे हैं कि अपन एक सीक्वेंस ले लें, सीक्वेंस अपन ने ली एक्स एन और टी एक्स एन टाइप की, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर टाइप की सीक्वेंस है किसके अंदर? टी जी में। टी जी में इस तरह की आपकी सीक्वेंस है और अपन इस क्लोज ग्राफ द्वारा भी अपन इसी चीज़ को अपन देखेंगे, ये क्लोज सबसेट है और यहाँ क्योंकि ये सीक्वेंस है यदि एक्स और वाई को कन्वर्ट कर रहा है तो ये एक्स वाई है जहाँ वाई इक्वल टू टी एक्स है ऑर्डर्ड पेयर को, जहाँ ये आपका टी जी का लिमिट पॉइंट है, तो ये आपका क्लोज सबसेट हो जाएगा। इसको अपन क्लोज ग्राफ थ्योरम में अपन देखेंगे आगे थ्योरम में डिटेल में। नेक्स्ट अपन एक डेफिनेशन ओ ले लेते हैं, वो आपका है क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वही आपके पास है, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन लीनियर स्पेसेज एंड लेट एम बी ए सबसेट या सब स्पेस ऑफ कैपिटल एक्स, देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम कैपिटल एम इंटू वाई इज सेड टू बी closed, then a linear transformation T from M into Y is said to be closed if and only if xn है वो किसका एलिमेंट्स है? कैपिटल M का, और xn से बनी सीक्वेंस है x को कन्वर्ज कर रही है एंड टी xn जो सीक्वेंस है वो y को कन्वर्ज कर रहा है, तो इम्प्लाइज x एलिमेंट्स है कैपिटल M का एंड y बराबर टी एक्स, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है फंडोले पे, तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एम इंटू वाई वो क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, क्लोज्ड लीनियर रखें क्योंकि अपन जानते हैं, आगे अपन इसको डिटेल में अपन देखेंगे। तो क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक्स एम आपका लीनियर सब स्पेस है एक्स का, टी है एम इंटू वाई आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज्ड होगा इफ एंड ऑनली इफ एक्स एन एम का एलिमेंट्स है और इससे बनी हुई सीक्वेंस है एक्स एन है एक्स को कन्वर्ट कर रही है, टी एक्स एन है वो वाई को कन्वर्ट कर रहा हो, तो
एक्स है वो एम का एलिमेंट्स होगा और वाई किसका एलिमेंट्स होगा, वाई बराबर क्या होगा टी एक्स। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था वो क्लोज्ड होगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज्ड है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कौन सी वाली, ये वाली क्लोज है तो ये कंडीशन इफ एंड ऑन इफ वाली ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एक्स एन एम का एलिमेंट्स है, एक्स एन एक्स को कन्वर्ट कर दिया टी, एक्स एन वाई को कन्वर्ट कर दिया तो इम्प्लाइज एक्स एलिमेंट्स है एम का एंड वाई बराबर टी एक्स। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो टी आपका क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक डेफिनेशंस प्रोजेक्शन मैप की, इससे पहले अपन एक थ्योरम कर लें। थ्योरम है थ्योरम अपन करने से पहले अपन एक थ्योरम जिसको आपको याद भी रखना है और उसको अपन क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम है उसको प्रूव करने के लिए काम में लेंगे, या इसको कह दें थ्योरम की जगह लेमा कह देते हैं। लेमा, ये लेमा आपके पास है टू बी यूज्ड टू प्रूव क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम, ग्राफ थ्योरम। लेमा आपका है कि लेट ए एंड बी बी नॉन लीनियर स्पेसेज देन ए क्रॉस बी विथ कोऑर्डिनेट वाइज लीनियर ऑपरेशंस इज ए नॉन लीनियर स्पेस विथ ए और बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ए क्रॉस बी है वो क्या होगा नॉन लीनियर स्पेस होगा जिसके अंदर नॉर्म ऑफ ऑर्डर फेयर एक्स वाई है वो इस तरह से डिफाइन होगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, नॉर्म ऑफ वाई। मोर ओवर ए क्रॉस बी है इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बी आर कंप्लीट। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, जिसको अपन क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम है उसके लिए अपन यूज करेंगे। ए और बी आपके नॉन लीनियर स्पेस है, ए क्रॉस बी है वो नॉन लीनियर स्पेस होगा जिसके अंदर नॉर्म है वो इस तरह से डिफाइन होगा नॉर्म ऑफ एक्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, और ए क्रॉस बी वो कम्प्लीट होगा इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कंप्लीट। इसको आपको याद रखना है। क्लोज ग्राफ थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ के रूप में एग्जाम में पूछी जाती है, स्टेट एंड प्रूफ क्लोज ग्राफ थ्योरम। इससे पहले अपन एक थ्योरम करेंगे और एक डेफिनेशन देख लें पहले तो प्रोजेक्शन मैप। तो इफ एक मैपिंग पी वन है जो एक्स वन क्रॉस एक्स टू से एक्स वन के अंदर डिफाइन है, दूसरी पी टू मैप है वो एक्स वन क्रॉस एक्स टू से एक्स टू के अंदर डिफाइन है, और प्रोजेक्शन मैप्स
प्रोजेक्शन मैप्स। देन P1 ordered pair x1 x2 equal to x1 and P2 x1 x2 equal to x2। ताकि P1 कहाँ से डिफाइन है आपका, देखिए यहाँ पर P1 जो है वो आपका x1 क्रॉस x2 से x में डिफाइन है, ये आपकी प्रोजेक्शन मैप है। तो ऑर्डर्ड पेयर x1 x2 है वो x1 क्रॉस x2 का एलिमेंट्स है, तो इसकी P1 इमेज किसका एलिमेंट्स होगा, कैपिटल x1 का, अर्थात x1 होगा। P2 है x1 क्रॉस x2 से x2 में डिफाइन है, मैप आपकी है, तो मीन्स P2 के लिए ऑर्डर्ड पेयर x1 x2 की इमेज क्या होगी, x2 होगी। तो ये आपकी प्रोजेक्शन मैप है। ये जो प्रोजेक्शन मैप है वो कंटिन्यूस होती हैं। प्रोजेक्शन मैप्स आर कंटिन्यूस, आर कंटिन्यूस। थैंक्स स्टूडेंट्स।